स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस आपके सिलेबस में है, और उसके अंदर में ये भी पॉइंट दिया है कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करके इसकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना और वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स टू बी of function b of function such that fx and gx are interval on a b। students कहता है कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम में कि एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है। एक कैसा फंक्शन है कि ये पॉइंट दिए गए पॉइंट ए बी पे इंटरवल करता है, अर्थात जहाँ जहाँ एफ वाला फंक्शन है वहाँ पे हम ए और बी दे के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर जी वाले फंक्शन में भी क्या करेंगे ए और बी पॉइंट वहाँ पर दिया रहता है उसको पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और तब इसको जाके सॉल्व करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आपको एक थ्योरी बताया था लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या था फार्मूला, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश एक्स या सी, इसी सी का वैल्यू निकालते थे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में। लेकिन उसमें एक ही फंक्शन था एफ के रूप में या जी के रूप में, लेकिन एक ही फंक्शन था जिसका हम लोग लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके सी का वैल्यू निकाले थे। लेकिन जब हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें दो फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे कि टेन एक्स और साइन एक्स दे देगा या लॉग एक्स या एक्स स्क्वायर दे देगा, और दोनों का कहेगा कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करके सी का वैल्यू फाइंड कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला याद रखना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन एफ डैश जी डैश सी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर वन है कहता है वेरीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई पे पावर एक्स एंड ई पे पावर माइनस एक्स कोची मीन वैल्यू थ्योरम से। देख रहे हैं आपके सामने दो फंक्शन है ई पे पावर एक्स और ई पे पावर माइनस एक्स। इसको हम मान लेते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन में एफ एक्स बराबर ई पे पावर एक्स और जी एक्स बराबर ई पे पावर माइनस एक्स, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा ई पे पावर एक्स, और यहाँ जी डैश एक्स क्या होगा, यहाँ देखो माइनस है पावर इसलिए माइनस आगे आ जाएगा और ई पावर माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस तो कुछ आएगा ना जो उस पर है। स्टूडेंट्स आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम से। तो इसका फार्मूला होता है क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए सॉरी जी जी बी माइनस जी ए बराबर एफ डैश सी बाय जी डैश सी, और यहाँ पे पॉइंट दिया होगा, ठीक है, वो पॉइंट लिख लीजिए। कहता है इन इंटरवल एट ए बी। स्टूडेंट क्वेश्चन में कहता है ये ए बी पे इंटरवल ही करता है, ठीक है, तो ऐसा ही रखिए। तो आप क्या करोगे, एफ हैक्स बराबर है ई पे पावर एक्स, अगर हम एक्स देते हैं तो ई पे पावर एक्स है, अगर हम एक्स के जगह पे स्टूडेंट बी पुट कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ई पे पावर बी माइनस ए पुट करेंगे तो ई पे पावर ए बाय जी वाला में आओ जी वाला फंक्शन यहाँ यहाँ हो जाएगा ई पे पावर माइनस बी माइनस ई पे पावर माइनस ए बराबर डैश वाला में आइए एफ डैश सी। तो देखो एफ डैश एक्स बराबर ई पे पावर एक्स है,
अगर हम x के जगह पे स्टूडेंट c पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे e पे पावर c अपॉन g वाला में आइएगा तो माइनस e पे पावर माइनस c। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सॉल्यूशन करिए स्टूडेंट्स। e पे पावर b माइनस e पे पावर a अपॉन, क्या हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय e पे पावर b माइनस वन अपॉन e पे पावर a बराबर e टू पावर c बटे में माइनस है तो माइनस हम ऊपर में लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। और देखो e पे पावर माइनस c है, जब ये ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस c, क्योंकि देख रहे हो ना e पे पावर डिवाइड में पावर घटता है लेकिन पहले से ही माइनस था तो इसीलिए ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, e पे पावर हो जाएगा प्लस c, टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e पे पावर b माइनस e पे पावर a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e पे पावर a माइनस e पे पावर b इंटू e पे पावर b इंटू e पे पावर a बराबर माइनस e पे पावर 2c। बेस समान है तो पावर जुटता है और सबसे नीचे है कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा e पे पावर b माइनस e पे पावर a बाय e पे पावर a माइनस e पे पावर b इंटू e पे पावर a प्लस b बराबर माइनस e पे पावर 2c। अच्छा काम करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, ऊपर में क्या करते हैं स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लेते हैं, जगह ही नहीं है मेरे पास, छोटा छोटा करके लिखेंगे अब, कहीं मिटाऊं यहीं मिटा देते हैं। ऊपर से स्टूडेंट माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस तो यह जगह e पे पावर a e पावर b बाय e पे पावर a माइनस e पे पावर b इंटू e पे पावर a प्लस b बराबर माइनस e टू पावर 2c। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचा माइनस और ये माइनस भी कट जाएगा ख़त्म, तो बचा e पे पावर a प्लस b इजक्ल टू e पे पावर 2c, e कट जाएगा 2c बराबर a प्लस b, इसीलिए c बराबर a प्लस b बटे 2, आंसर हो जाएगा a बटे b बटे 2। और एक चीज़ ध्यान रखना है, चाहे वो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हो या फिर आपका कोची मीन वैल्यू थ्योरम हो, और भी आगे पढ़ेंगे इस टाइप का है एक दो और क्वेश्चन, तो स्टूडेंट इस मेथड में हमारा जो आंसर आना चाहिए जिस पर वो इंटरवल कर रहा है उसके बीच में, तो बताइए a प्लस बी बटे टू किसके बीच में होगा, a और b के बीच में होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड किया जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि वैल्यू हमारा कहाँ होगा a और b के बीच में होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी क्या आया a प्लस बी बटे टू, हाँ ये चीज़ है तभी तो सेटिस्फाइड करेगा, वेरीफाई भी तो करेगा, तो आंसर हमारा हमेशा इंटरवल के बीच में आना चाहिए, कभी कभी दो वैल्यू आ जाता है फिर दोनों को चेक करना पड़ता है क्या ये सही में उस दोनों के बीच में है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा देखिए तो इसको ये नहीं दिख रहा होगा क्या उस समय से, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बहुत नीचे आ गया था, ये नहीं दिख रहा होगा क्या, ये आपका आंसर है सॉल्यूशन कहाँ से चला था, यहाँ से सॉल्यूशन देखो किए ये वाला पार्ट ऐसे करते हैं और किए थे मिटा दिए थे, वीडियो देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू, कोची मीन वैल्यू थ्योरम से ही, हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है, एग्जाम में आपको पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा और कहेगा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए कोची या भी लैग्रांजे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है इसीलिए स्टूडेंट्स कोची मीन वैल्यू थ्योरम से ही बनेगा, तो यहाँ पे एफ एक्स किसको मान लेते हैं लॉग एक्स का, इसको डिफ्रेंशिएट करिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन बाय एक्स, और स्टूडेंट्स जी एक्स बराबर मान लेते हैं वन बटा एक्स यानी एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा, इसीलिए जी डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स पावर माइनस टू, कोई दिक्कत ना, बाय फार्मूला से एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी
by f dash g dash c. और यहाँ से स्टूडेंट्स चूंकि a बराबर है 1 और b बराबर है e, देख रहे हो ना इंटरवल जिस पे कर रहा है, पुट कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ ई माइनस एफ वन बाय जी ई माइनस जी वन बराबर एफ। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एफ डैश सी है तो एफ डैश में ही पुट करिए, अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर है 1/x तो एक्स के प्लेस पे हम सी पुट कर देंगे तो क्या होगा 1/c होगा कि नहीं, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1/x² नीचे, इसका मतलब है ये हो जाएगा -1/c² क्योंकि इसे एक्स के प्लेस पे सी पुट करेंगे तो हो जाएगा c². चलिए अब यहाँ छोटी छोटी दुनिया को हमने पैक कर दिया, यहाँ से लिखिए एफ ई, यहाँ पे पुट होगा तो लॉग ई माइनस, फिर इस वन को पुट करोगे स्टूडेंट हो जाएगा लॉग 1 अपॉन, अब है जी ई तो जी में चलिए तो हो जाएगा 1/e माइनस 1 पुट करोगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 1/1 बराबर एक सी, यहाँ से स्टूडेंट कट जाएगा सी चला जाएगा सबसे ऊपर यानी -c, क्यों, क्योंकि देख रहे हो माइनस पहले से ऊपर जाने के कारण नहीं क्योंकि पहले से माइनस है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या वैल्यू आएगा लॉग ई का वैल्यू होता है 1 और लॉग 1 का 0 ख़त्म उसका काम अपॉन 1/e तो ये हो जाएगा 1/e यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 बराबर -c। अच्छा इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा ई अपॉन 1-e बराबर -c। अब इसका जब वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट्स कहाँ से वैल्यू निकालोगे, इसका दो रकम से वैल्यू आएगा -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका e/(e-1) बराबर सी, यानी सी का वैल्यू क्या आया है e/(e-1), लेकिन अगर आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो आप ई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो शिफ्ट लॉग, ये हो जाएगा e/(1) का वैल्यू 2.71 बाय, और 2.71 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0.71 डिवाइड कर दिया जाए 0.71 से तो आंसर नहीं इतना बड़ा कैसे आंसर हो जाएगा। ला 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 ला। देखो शिफ्ट ए पावर 1 -1 1.2 था ना तो 1.2 हो जाएगा यहाँ पे बराबर सी, इसीलिए सी बराबर आंसर लेते हैं 2.71 डिवाइड 1.71 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.58। तो आपके पास दो ही आंसर ऑप्शन में होगा, या तो होगा सी बराबर ई अपॉन ई माइनस 1 या तो 1.58 या 1.6 अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आंसर हमारा है ये आंसर क्या आया है 1.58, और हमारे पास जो इंटरवल है क्या है यहाँ पे 1 है ये संख्या रेखा है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ई है तो ई का वैल्यू 2.71 और इसका 1 एक और 2.71 के बीच में आएगा 1.58 इस दोनों के बीच में ये आंसर है, इसका मतलब ये आंसर मेरा सही है। अगर ये इतना तक कैसे निकालोगे एक्सपोनेंशियल सीरीज आपको बताया था उसी सीरीज से इसका वैल्यू याद रखोगे, एग्जाम में पता नहीं कैलकुलेटर ले जाने देगा कि नहीं, हमेशा नियम चेंज करते रहता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने कोची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिए, अब इसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर पर बात करते हैं, ठीक है। अरे नीचे का वीडियो काहे नहीं दिखता है यार बार बार, ऐसे रहना चाहिए कम से कम, सी स्क्वायर नहीं दिख रहा था, नोट कर लीजिए।